एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड फॉर दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, हाय, आई एम मानसी एंड आई बी रियली हैप्पी इफ यू टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आई एम वेरी थैंकफुल जिन्होंने अभी अभी मुझे रिसेंटली सब्सक्राइब किया है। आई गोट 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स रिसेंटली, सो आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू यू ऑल। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्रिएट इवन मोर गुड कॉन्टेंट एंड कम अप विद न्यू स्ट्रेटजीज, स्टडी टिप्स, जो भी आप मुझसे पूछेंगे। एंड सो थैंक यू सो मच टू ऑल द न्यू कमर्स हियर। और आप जो जो भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी, और उन सब के लिए शुक्रिया दिल से। और कुछ लोग वैसे भी हैं जो मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी फैला रहे हैं, लाइक व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CGL, मैं क्यों तैयारी कर रही हूँ, मैं बहुत रिच हूँ अकॉर्डिंग टू देम, और लाइक मैं CGL एक दिखावा कर रही हूँ कि मुझे मतलब मुझे अपने व्यूअर्स बढ़ाने हैं, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं ताकि मैं यूट्यूबर बन सकूँ, दैट्स वाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CGL। तो इनके लिए भी मुझे आज अपनी तरफ से एक आंसर देना है। पहले मैं इग्नोर करा करती थी ऐसे कमेंट्स, बट कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा ही ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू यू नो टेल माई साइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, और सिर्फ एक डेस्क देख लेने से कि इसका डेस्क अच्छा है, या चार फैंसी कप देख लेने से या बर्तन देख लेने से ऐसा नहीं होता कि कोई रिच हो जाता है। मेरे पास पहले ये डेस्क नहीं था। अगर आप मेरी बहुत पुरानी वीडियोज़ देखोगे, मुझे 1 ईयर हो चुका है वीडियोस बनाते हुए, तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास भी सिंपल सा ही टेबल था जो यहाँ पे नॉर्मल मार्केट में मिल जाता है 800 से 1000 वाला। फिर मैंने उसे वॉलपेपर लगा के अपना वीडियो स्टार्ट किया था, एंड 6 मंथ्स के बाद मैंने ये अपना सेव करके मनी अपना टेबल लिया था। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लोग बोल रहे हैं लाइक कि मेरा कि एस्थेटिक घर होने से, पापा का एस्थेटिक घर होने से तो कोई भी वीडियो बना ही सकता है एस्थेटिक। एस्थेटिक अगर मेरा घर होता तो मैं आपको सिर्फ 2 या 3 कॉर्नर ही क्यों दिखाती, मैं आपको पूरा अपना होम टूर या रूम टूर दे देती। कब से मुझे लोग बोल रहे हैं रूम टूर बना दो, होम टूर दे दो आपका, ये सब चीज़ें, तो मैं कब का रूम टूर दे देती। और अगर सिर्फ मुझे यूट्यूबर ही बनना होता तो मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करती, ना कि वीकली में मैं एक अपलोड करती, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि मेरा ज़्यादा टाइम यूट्यूब पर जाए, वीडियोज़ बनाने में जाए, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू फोकस ऑन माई स्टडीज़ एज वेल। क्योंकि जैसे किसी का अलग अलग चीज़ें होती हैं, हॉबीज़ होती हैं, किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, मुझे भी फोटोग्राफी वीडियोज़ बनाना पसंद है, तो वो हर कोई अपना ट्राई करता है अपनी तरफ से बेस्ट प्रेजेंट करने का, और मेरा ये तरीका है कि मैं उसको सिंपल, वाइट, क्लीन, अच्छे से प्रेजेंट करूँ, दैट्स माई वे। और रही बात की डेकोरेटिव आइटम्स की, डेकोरेट कर रखा है ये मैंने खुद किया है डेकोरेट, कभी सरोजनी नगर मार्केट से अपना लेकर आती थी मैं, वहाँ से प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं आपको चीप प्राइसेस पे, और जब ऑनलाइन सेल वगैरह होता है तो मैं कुछ कुछ चीज़ें धीरे 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 मैंने ये चीज़ें ली हैं और अपना इम्प्रोवाइज किया है अपने कॉन्टेंट को। पहले से ही कुछ एस्थेटिक नहीं होता, मैंने अपने डेस्क के बैकग्राउंड पर भी वॉलपेपर लगाया है वाइट, और ऐसे ही मैंने अब जाके किचन में इन्वेस्ट किया है। पहले किचन थोड़ा डार्क होता था, वहाँ पे फिल्म करना डिफ़िकल्ट हो जाता था, तो मैंने अब जाके वहाँ पे भी वॉलपेपर लगाए हैं। 500 में मुझे 5 to 6 रोल्स मिल गए, और उससे पूरा किचन मेरा लाइक पूरा चेंज हो गया, और नाउ आई कैन फिल्म कॉन्टेंट देयर ऑल्सो, ताकि आपको मैं और चीज़ें भी दिखा सकूँ क्या लाइफ में और चल रहा है। और आपको भी पता है कि SSC में कितना ज़्यादा कंपटीशन है, और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए और एफर्ट्स करने में बुराई ही क्या है। और मेरे से पहले ही कितने लोग प्रिपेयर करते आ रहे हैं, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, और कोई गारंटी नहीं है गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी कब नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ है इस चीज़ में, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ बैकअप भी रखूँ, दैट्स वाई आई एम ऑल्सो मेकिंग वीडियोज़ एंड यूट्यूब वगैरह करना, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग। और रही बात iPad और iPhone की, तो वो मैंने दोनों ही EMI पे लिया है। iPad मुझे ज़रूरत थी क्योंकि मेरा टैब ख़राब हो गया था, तो अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ आप 4 चीज़ें देख के जज मत कीजिए और नेगेटिविटी स्प्रेड मत कीजिए। और आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लग रही, आपको नहीं लग रहा, आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, तो आप मत देखिए मेरा वीडियोस। यू कैन डिसलाइक माय वीडियोस एंड यू कैन स्किप माय वीडियोस, सो प्लीज़ डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी, दैट्स ऑल आई वांट टू से।
लेट्स टॉक अबाउट मैथ स्ट्रेटजी, जो कि आप कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपका क्या सोर्स है, आप किस टीचर को फॉलो करते हो, क्या आपकी स्ट्रेटजी है, तो आज मैं वो शेयर करूँगी। और आई एम ऑल्सो बिगनर, तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरा भी ज़्यादा अच्छा नहीं है मैथ्स, बट जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है जो मैंने किया, सो आई एम गोना शेयर दैट। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपके पास 1 या 2 ईयर का टाइम पीरियड तो होगा जब आप जिसमें आप अच्छे से प्रिपेयर करो और जिसमें आप सबसे पहले क्या कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कैलकुलेशन, कि हमारी कैलकुलेशन कैसी है, हमारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। सो उसके लिए आपको अपने किसी पेज पे नोटबुक में अपने 1 to 30 स्क्वायर और टेबल अपने लिख लेने हैं, 1 to 30 एंड क्यूब्स वगैरह 1 to 20 इनफ रहेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो 31 का, जैसे 41 51, बिकॉज ये CI का जो चैप्टर होता है उसमें यूज़ आएगा आपको। और जो कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए आप कोई भी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप रोज़ 10 मिनट्स भी अगर अपने इन्वेस्ट करेंगे ना, डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका 1 मंथ में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा कि आपकी स्पीड थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ हो रही है। तो आपको वो रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, उसी से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बेटर हो जाएगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, तो आपको कौन से टीचर्स फॉलो करने हैं, जैसे कोई भी कोर्स जो भी आपको पसंद है, आप किसी भी टीचर को अगर फॉलो करते हैं तो आपको उनके जो भी वो क्वेश्चंस कराते हैं अपने लेक्चर में, उनको अच्छे से उसके नोट्स बनाने हैं। मतलब मेरे से गलती हुई थी कि मैंने सोचा PDF तो मिल ही जाते हैं, बट क्या होता है कि जैसे अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हो साथ में उसके सॉल्यूशन, कि आगे चल के ना जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपको अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चंस भी लिखने हैं और उसके सॉल्यूशंस भी लिखने हैं। एंड फिर जैसे आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आपने एक चैप्टर अपना अच्छे से कर लिया, तो वो क्लास करने के बाद खुद से जो भी मैम ने आपको, जो भी टीचर आप फॉलो कर रहे हो, जिसका भी कोर्स आप कर रहे हो, उसका जो भी आपने 1 घंटे का लेक्चर किया जितने का भी, तो वो जो आपने क्वेश्चंस तब किए वो आप दोबारा से सॉल्व करो बाद में उसी क्वेश्चंस को। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनका मैथ्स वीक है, लाइक जो मेरी तरह है, तो उनके लिए बता रही हूँ जिनका मैथ्स अच्छा है, उनको ये सब सुनने की नीड नहीं है। और फिर जैसे आप न्यू चैप्टर जब स्टार्ट करते हो, तो जो पिछला आपने चैप्टर किया उसके आप 150 से 200 क्वेश्चंस लगाओ, मतलब जब तक वो अच्छे से आपको ऐसे ना हो कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं आपके, तब तक आप वो वाला चैप्टर अच्छे से उसके मतलब क्वेश्चंस साथ साथ करते रहो डेली बेसिस पे। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे करने हैं एक साथ, जितने भी आपसे हों 30 50 70, ऐसे करके आप रिपीट पे लगाते रहो। फिर ऐसे ही अगला चैप्टर जब स्टार्ट करोगे तो उससे पिछले की स्टार्ट मतलब क्वेश्चंस आप लगाते रहो, ऐसे करके देखना आप। जैसे अगर आपको पहले शुरू में अगर आपको 2 या 3 आवर्स लग रहे हैं, बाद में आपकी वो जो आपकी मतलब टाइम पीरियड है वो कम होता जाएगा, जैसे आपके 1 घंटे में सोल्व होने लग जाएंगे क्वेश्चंस, और देखना आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। और अच्छे नोट्स बनाने का बेनिफिट ये होगा कि जब आपका एग्ज़ाम पास आएगा तो आप अपने जो वन डे में आप अपना सारा रिवाइज कर दोगे, जो भी आपका रजिस्टर है अच्छे से, क्योंकि वो सब आपने खुद सोल्व करके राइट किए हैं क्वेश्चंस, तो वो आपको इजीली सब PDF से पढ़ने में आपको कंफ्यूज भी होगा, और जो आप खुद के नोट्स बनाओगे उसमें आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। एंड सेकेंडली आपको एक चीज़ और करनी है, जो भी आपके क्वेश्चंस में डाउट होता है आपको एक अपना रजिस्टर बनाना है सेपरेट टफ वाले क्वेश्चंस का, जिसमें आपको जिसमें भी डाउट्स आ रहे हैं वो आप उसमें क्वेश्चंस लिखते जाओ और वो क्वेश्चंस आप रिपीटेडली सोल्व करो। ऐसा होता है जब एग्ज़ाम आता है तो हम उसी क्वेश्चंस में अटकते हैं ना, जिसमें हमें डाउट रहता है पहले कि अरे इसमें हमारा क्वेश्चन अटक गया था, हमसे सोल्व नहीं हुआ था, और फिर वो हमारा क्वेश्चन ज़्यादा टाइम भी लेता है और हम सोल्व भी नहीं कर पाते। तो एक आप सेपरेट रजिस्टर रखिए जिसमें आप अपने टफ वाले क्वेश्चंस डाउट वाले लिखिए और फिर आप उनको भी सोल्व कीजिए। और जैसे ही आपके 3 to 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो डेली 100 क्वेश्चन सोल्व कीजिए उस चैप्टर से रिलेटेड। जब आप पर डे इतनी अपनी कैलकुलेशन करोगे ना, इतने क्वेश्चन सोल्व करोगे 30 50 70 100, तो देखना आपकी कैलकुलेशंस इंप्रूव हो जाएंगी और आपकी स्पीड भी अच्छी होगी। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपका डेली टारगेट होना चाहिए 100 क्वेश्चन सोल्व करने का, फिर देखना आप कमाल। तो आप बात करते हैं बुक लिस्ट की, आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको एक ही को फॉलो करना है। आप गगन प्रताप सर की बुक फॉलो कर सकते हो, अभिनय सर की कर सकते हो, और किरण पब्लिकेशंस वगैरह की बहुत मिलती हैं मार्केट में बुक्स। बात ये होती है कि आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो। तो ज़्यादातर आपको ध्यान देना है PYQs पे, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2018 से 24 तक के बीच में जितना भी है, उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, और सोल्व कीजिए।
और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर्स में प्रॉब्लम आती है, कुछ टॉपिक हमें, जैसे हमने किसी का कोर्स लिया है किसी एक टीचर का, और हमें उनका कोई टॉपिक में समझ नहीं आया। कभी कभी नहीं भी आता कि कई टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आते हैं पर कई टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप यूट्यूब पे बहुत ऑप्शंस होते हैं, आप किसी भी टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा है सर्च करके आप रैंडम कोई भी वीडियो देख सकते हैं। एक तो आप उससे कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे करके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, एक टीचर से सॉल्व नहीं हो रही तो आप दूसरे टीचर का देख के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे आपका बेस अच्छा हो जाएगा और आप डेली जब इतनी प्रैक्टिस करोगे ना तो आप मैथ्स को जीत जाओगे। सो यही था मेरा मैथ्स का जो कि मैंने फॉलो किया। अगर आपको अच्छा लगे तो बताना।
Thank you.